अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा यात्रा के प्रयागराज आगमन पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में शामिल होते हुए उपस्थित जनसमूह को किया संबोधित। आम नागरिकों से मां गंगा को साफ, स्वच्छ एवं निर्मल बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की। पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा का पूजन व आरती करने के बाद गंगा यात्रा के लिए बनाए गए सेल्फी प्वाइंट पर जाकर खिंचाई सेल्फी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में गंगा यात्रा के प्रयागराज आगमन पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद इलाहाबाद रीता बहुगुणा जोशी ने रुद्राक्ष की माला भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, मंत्री जलशक्ति डॉक्टर शून्य महेंद्र सिंह, सांसद फूलपुर श्रीमती केशरी देवी पटेल, सांसद इलाहाबाद डॉ शून्य रीता बहुगुणा जोशी, मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग सिद्धार्थ नाथ सिंह, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, मंत्री नीलकंठ तिवारी, शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गंगा यात्रा जनपद मिर्जापुर से होते हुए प्रयागराज जनपद के ग्राम बसकड़ी पहुंची, जहां पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने गंगा यात्रा का स्वागत किया। पूरे रास्ते जहां से भी गंगा यात्रा को गुजरना था, वहां पर भारी संख्या में उपस्थित लोगों ने गंगा यात्रा का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा यात्रा समाज के कल्याण के लिए माँ गंगा को उनके पुराने गौरवशाली स्वरूप में वापस लाने का महाभियान है। यूनाइटेड कॉलेज के कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री गंगा आरती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नर आनंदगिरी व आनंदगिरी की देखरेख में पूरे विधि विधान के साथ माँ गंगा का पूजन करते हुए माँ गंगा की आरती उतारी और उनसे प्रदेश की सुख शांति का आशीर्वाद मांगा। आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर थे। अगर उनके दौरे को देखा जाए तो सुबह के मुखिया गंगा यात्रा में शामिल होने के लिए प्रयागराज आए थे। सबसे पहले उनका आगमन प्रयागराज के सर्किट हाउस में हुआ। वहां पर वो कार द्वारा प्रयागराज के संगम तट पहुंचे। संगम तट पर उन्होंने साधु संतों के शिविरों में जाकर मुलाकात करने के बाद इनका काफिला नानी के यूनाइटेड कॉलेज पहुंचा, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। संबोधित करने के बाद सुबह के मुखिया एक बार फिर से प्रयागराज के संगम तट पर आए। यहीं प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेले का आयोजन है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। इसी प्रयागराज के संगम तट पर सुबह के मुखिया पहुंचे, उन्होंने माँ गंगा का पूजन किया। गंगा आरती करने के बाद आज उनका रात में रुकने का भी, विश्राम का भी यहां पर कार्यक्रम बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर कही जा सकती है कि अधिकारियों की सांसें अटकी हुई नजर आ रही है। पवन पटेल, प्रयागराज।